अस्सलाम वालेकुम जी, ये सारे को एक बोर्ड तैयार हो गई है। ये सारा इंजन में साउंड फिटिंग करे सूँ। ये सारी अर्थ की मेन तार है, जो मेन अर्थ कटा हुआ, सारी प्लगन की एक तार लगी हुई है, उन्हें ये फिट होनी पई है। अर्थ की तार असं मेन टपा रहे सूँ, उस तो बाद असं इन फिट करे सूँ। ये सारे को पेच खोल गई है, मुकम्मल असं दोबारा इन फिटिंग करें, तो तार जी है ना बेच अंदर क्रॉस हो गई। तो इस तो बाद जो बी अर्थ होना है असं वो नाल कनैक्ट करे सूँ। ये दूजी अर्थ की तार है जी साढ़े उतू पॉइंटा की तारे लथी हुई है, जेडे साढ़े पॉइंट उतर निकले हुए ना, उन पॉइंटा की तार है जी असं हिंद नाल ही कनैक्ट करे सूँ। ये अस छिलके हूँ अर्थ जो सा मेन अर्थ है असं उन्हें बेच कनैक्ट कर रहे सूँ। आराम नाल इस तार ला के असं इन बल पूरी तरह टाइट कर दे सूँ। ये तार बन नजर आ गई, उसकी बल क्रॉस हो चुकी है। जिस टाइम क्रॉस हो गए उस तो बाद इनू फिट करके नट टाइट कर दे सो, ताकि बोर्ड की फिटिंग सारी पूरी हो गई जी। ये हालांकि वीडियो तो मैं पहले भी अपलोड कर चुका, लेकिन इन दिखाने का मकसद है, इन्हें सिर्फ एक सोलर की फिटिंग है। वो सोलर की फिटिंग असं तुम्हें कंटिन्यू करके दिखा सूँ, सोलर की तारा कि तरीके लाइया वैसे तो कि तरीके। ये सारी सोलर दी तारा हैं, ये मुख्तलिफ जड़िया हमेशा तुम कोई भी बोर्ड खुले सो या चेक करे सो, अगर तुम खुद चेक करना चाहो, जड़िया लाल काली तो हट के कोई भी कलर हो सी, या यूपीएस का हो सी, या वाल सोलर का हो सी। अगर सोलर दी तार हर साइड सोलर का पॉइंट रखा है, उन्हें बाद असं एक पखे नू सिर्फ इस नाल चलाया है बटन नाल, ते इन्हें जड़ा मेन करंट है वो असं एक तार तले पुजा दी थी, एक सिर्फ पखे की तले पुजाई है, ते जड़िया बाकी हैं वो असं उत्ते ही कनैक्ट कर ली हैं, क्योंकि उन्हें बेच ताकि प्रॉब्लम ना हो सके। वो जड़ा एक अर्थ है इंदा वो उत्ते कनैक्ट हो चुका है, जोड़ा फेस है वो असं थाई कनैक्ट कर रहे सूँ। एक मेन तार जी वो ही असं थाई कनैक्ट करके आराम नाल ही इन चला सकते हैं। ये सारा सोलर बिल्कुल रेडी हो चुका है इस टाइम। तुम जिस टाइम अगर डबल पॉइंट वाले को पखा है, मिसाल तौर पर एसी डीसी पखा तुम्हारे को लगा हुआ है, तो तू सू तरह नाल कनैक्ट करके खड़े सो, सोलर भी कनैक्ट हो गए से बिजली भी कनैक्ट हो गए से, उस आराम दूसरे चीज़ें चला सकते हो। अगर सोलर चाहो तो सोलर का बटन दबा देसो, जे बिजली तो चाहो तो बिजली का बटन दबा देसो, तो पखा चल रहा है। ये सारे को पखे की तार है जैसे तो असा निशानी तौर पर कट दिते हैं कम अज़ कम 8-10, ताकि सानू पता लग सके भाई साढ़े पखे की ही तार है, उन्हें लावण के फिटिंग प्रॉब्लम ना हो। असं कट के डिमर की जी सारी एक तार बची हुई है, एक तार असं दी हुई है डायरेक्ट उस डिमर की बटन के दी हुई है, तो उस तो बाद जी बई तार सारी उतू लैके आँगी पी अर्थ सा जरा हिको कनैक्ट हो चुका है, जी उतू तले तार लैके आँगी पी असं डिमर की तार ही कनैक्ट करना सिर्फ। उस तो बाद असं टेप करे सूँ, जो चाइना फिटिंग का डिमर आता उन्हें सिर्फ तारा निकली हुई होंगे, हालांकि जे शीट के बोर्ड के डिमर हैं उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट आता जो इतने पेज ला के असं दोहां तारा अटैच करते हैं, लेकिन चाइना फिटिंग अलग ही सीन आता इंता इन तारा जीडिया डिमर के निकली हुई होंगे, तो असं इन्हों जोड़ करना होंगे। एक तार डायरेक्ट बटन के पॉइंट ने, बई तार जी असं जी उतू लैके आँदी है उन्होंने असं कनैक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट डिमर की जी निकली हुई तार होंगी है उन्होंने, उस सारा पखा जोड़ा है आराम नाल बिजली के उत्ते बेहतरीन काम करे। हूँ मैं दिखा रहे तलू जी बई तार इस पखे से निकली हुई है वो हरी इस नाल कनैक्ट हुई हुई है, पर इस नाल जो बटन है उनके पॉइंट नाल एक तार लगी हुई है, एक तार जी सारी इस नाल लगी हुई है, वो मैं तुम्हें दिखा रहे सी देख सकते हो। एक तार सारी पखे जी उतू लैके आई वो नाल कनैक्ट हो गई है, बई जी डिमर की तार है वह बटन नाल लगी हुई है, ये तार इतने लगी हुई जरा यह अर्थ सडू जकट है, इस नाल सारी पखे का अर्थ जोड़ा ना उतू वायरिंग के ही जी वायरिंग थी हुई उन्हें शुमार है।